कल के जो मुख्य अतिथि हैं वो पहुंचने वाले हैं, तो प्रोटोकॉल के मुताबिक उनको रिसीव करना भी एक मेरी निजी जिम्मेवारी भी है। मैं आप सबको नमन करती हूँ। ये परंपरा जब से अद्वैत संगम के साथ जुड़ने का मौका मिला है, जब जब कुरुक्षेत्र में रही हूँ तो ऐसा कुछ ना कुछ आयोजन करते रहने का भी अवसर मिलता रहा। बहुत ही श्रद्धा से याद कर रही हूँ श्री दोस्त भारद्वाज जी को और श्री बालकृष्ण बेजार जी। पिछला 25 जनवरी को जो मुशायरा हुआ था, बेजार साहब ने उसको संभाला था। उस समय भी उनकी तबीयत सही नहीं थी, लेकिन बखूबी संभाला था। आज सचमुच रह रहे कि उनकी याद आ रही थी। मुझे कभी कभी ये लगता है कि हो सकता है कि हमारी रुचि कविताओं के प्रति, साहित्य के प्रति कम होती जा रही है। सीमित सी संख्या में जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सबकी उपस्थिति को भी नमन करती हूँ, क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है कि अगर ये भी ना रहा तो क्या होगा। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जहाँ भाषा की तोड़ मरोड़ इतनी हो गई है, प्रांजल तक खत्म हो गई है, जहाँ फेसबुक और सोशल मीडिया के उसमें हमने भाषा को ही खोते जा रहे हैं, वहाँ हम भावों को कैसे संजोएंगे, ये कभी कभी चिंता ज़रूर होती है। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि हर युग में कहीं ना कहीं ऐसा रहा होगा, हर युग में कहीं ना कहीं ऐसा रहा होगा, कोई ह्रास का समय होगा, लेकिन साहित्य विशेष रूप से कविता ना कभी मरी ना कभी मरेगी, और उसको जिंदा रखने की जिम्मेवारी भी हम सबकी है। कहीं ना कहीं जिस भी रूप में आने वाली पीढ़ी, जो पूरे हिंदुस्तान की 67% है, उसको भी इसके साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो चाहूँगी कि कुछ ऐसी क्रिएटिव वर्कशॉप ज़रूर हों और उनको फिर हम स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या या गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या में जोड़ें। आप सब बहुत विनम्र अनुरोध पे यहाँ पे आए, मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। पिछली बार मैं ट्रेनिंग पे थी, मैं 13 तारीख को ही वापस आई थी, तो मुझे उसका दुख रहा कि मैं वो अरेंज नहीं कर पाई, क्योंकि मैं 13 को सुबह 6 बजे ही वापस आई और मेरा बहुत मन था। बेजार साहब उस समय थे और वो तकलीफ में भी थे, मेरा मन था मैं उनको उस समय में सम्मानित कर सकूं, मैं उसमें नाकामयाब रही, लेकिन हृदय से उनको मैं याद कर रही हूँ। और उन्होंने जितना मान दिया है, जितना अदबी संगम में अपना योगदान दिया है, उसे अदबी संगम कभी भी भुला नहीं सकता। मेरे अपने निजी गौरव का विषय है कि 89 से मैं अदबी संगम से जुड़ी हुई हूँ। ये मुझे अपनी पहचान अदबी संगम का सदस्य कहने में सचमुच बहुत गर्व है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी आप सादर आमंत्रित हैं, कल आप ज़रूर आइएगा, और जिस संख्या में आप यहाँ पे आए हैं और जिस तन्मयता से आप इसमें भाग ले रहे हैं, मैं अपने छुपे कवि को नमन करती हूँ। जय हिंद।